Hey guys, welcome back to my channel and I'm Nikki from Nikki's Passion and Happy New Year to everyone. Wish you a very happy, prosperous and joyous life ahead. And guys, sorry, कुछ दिन से actually 1 week से मैं video upload नहीं कर पा रही थी because मेरे भैया भाभी आ गए थे यहाँ पर, तो हमारा बहुत ही surprise trip हो गया था. हम उदयपुर चले गए थे घूमने के लिए, so थोड़ी busy हो गई थी, तो of course घूमने गई तो video मैं upload नहीं कर पा रही थी. और मैंने advance में भी कोई video बनाई भी नहीं थी कि मैं वो upload कर देती, so I'm extremely sorry. और उसी के साथ मैं थैंक यू भी बोलना चाहूँगी बिकॉज मुझे काफ़ी लोगों ने इमोशनल कर दिया था जब मैं उदयपुर घूम रही थी, क्योंकि मैं जब वीडियो नहीं डाल पा रही थी तो एक दो दिन में ही मुझे लाइक मैसेजेस आने लग गए थे कि लाइक दी आप कहाँ हो, आप कहाँ खो गए हो, लाइक आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो. सो रियली लाइक मैं बहुत इमोशनल हो गई कि एक दो दिन से वीडियो नहीं डालने से लाइक आप लोगों को इतनी चिंता हो गई थी. सो थैंक यू सो मच इतना सारा लव एंड केयर के लिए, सो सॉरी. और हाँ, मैं जब उदयपुर गई थी तो वहाँ से जब मैं आ रही थी तो मेरी एक प्यारी सब्सक्राइबर है, तो उन्होंने लाइक मुझे मैसेज किया था कि लाइक दी आप यहाँ से जाओगे तो मेरा घर लाइक उदयपुर के पास ही है, तो आप प्लीज़ आइएगा मेरे घर पर. सो मैं उनके घर पर भी गई थी, तो चलो उनकी थोड़ी सी मैंने वहाँ पर क्लिप बनाई थी, तो देख लेते हैं कि वो कौन है. सो या लेट्स सी. हे गाइस, मैं यहाँ पर मेरी एक प्यारी सब्सक्राइबर को मिलने आई हूँ. जैसे कि मैंने आपको बताया होगा, वैसे हम क्या यहाँ उदयपुर घूमने आए थे, तो यहाँ पर मैं मेरी फैमिली के साथ आई थी. तो यहाँ पर इनका गांव है, मेरी सब्सक्राइबर है जिनका नाम है विनीता सुतार, और ये मेरी गिव अवे की विनर भी रह चुकी है अगर आपको पता होगा. तो इन्होंने मुझे बुलाया था और इनको मुझसे मिलना था, तो मैं बोला चलो क्यों ना इनके मिले. तो हम इनके गाँव आए थे, यहाँ पर भाटेवर आए थे जो उदयपुर के पास ही है. सो या हाय बोलो. हाय. और मुझे बहुत और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि लाइक मेरे लिए इन्होंने सुबह से वेट कर रहे थे कि आप दी कब आओगे, आपको आना है, आप उदयपुर से निकलोगे तो घर पे आना, मिलके जाना हमें. हाय बोलो. बाय. सो आपने वो क्लिप देखी ली और लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज लाइक वो सुबह से मुझे कॉल कर रही थी और ये मेरी गिव अवे की विनर भी रह चुकी है. आई होप उनको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे मिलकर एंड सीरियसली. सो चलो अभी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा बातें हो गई. बट बिफोर स्टार्टिंग विद द रिव्यू गाइज, डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं वो डेट सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए, और उसी के पास जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, सो डेट मेरी आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे. सो या लेट्स स्टार्ट. सो जो लहंगा मैंने परचेस किया है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है, उसका पिक भी मैं यहीं कहीं स्क्रीन पर शेयर कर दूँगी. और इसको मैंने 2864 का ये लहंगा है. सो चलो देख लेते हैं कि ये लहंगा रियल में दिखने में कैसा है. सो जो लहंगा मुझे रिसीव हुआ है और ये इस तरह की प्लास्टिक पैकेजिंग में और एक आउटर पैकेजिंग में रिसीव हुआ था मुझे. सो इसमें आया था मुझे लहंगा. सो इसमें मुझे तीन चीज़ रिसीव हुई है, एक तो लहंगा सेमी स्टिच्ड कंडीशन में और चोली के लिए फैब्रिक और दुपट्टा. तो सबसे पहले लहंगे की बात कर लेते हैं. सो जो लहंगा मुझे रिसीव हुआ है ये इस तरह का फ्लोरल प्रिंट में है और ये क्रीम कलर में है, और इसका जो फैब्रिक है वो है ऑर्गेंजा सिल्क, और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, इसका प्रिंट मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है बिकॉज फ्लोरल प्रिंट अभी आजकल काफ़ी ट्रेंडी है. सो लाइक दिस. और इसका जो बॉटम पोर्शन है इस पर आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारी सी गोल्डन लेस लगी हुई है, और ये लेस में सीक्वेंस और जरी वर्क भी हो रहा है. सो काफ़ी अच्छी लग रही है इसकी लेस, पर्सनली काफ़ी अच्छी है, मैं आपको पास से बता देती हूँ. और ये वाली लेस हमें सिर्फ बॉटम पोर्शन पर मिल रही है लहंगे की, और इसी के साथ जो हमें लहंगे में इनर मिल रहा है, जो लाइनिंग मिल रही है ये सेटिंग की है, और आप खुद देख सकते हैं कैमरे पर इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है ये लाइनिंग. और यहाँ पर हमें लाइनिंग में अंदर ही एक ये बुकरम भी मिल रहा है लाइक दिस बॉटम पोर्शन पर, और आप देख सकते हैं ये कैन कैन मिल रहा है हमें, जो कि ये सिर्फ हमें बॉटम पोर्शन पर मिल रहा है लाइक दिस. तो इससे लहंगे का जो घेर है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, उसका घेर भी काफ़ी अच्छा है, 2.5 मीटर का घेर है इस लहंगे का, और ये इजीली डबल एक्सल लोगों को भी आ जाएगा बिकॉज वेस्ट लाइन काफ़ी अच्छी बड़ी है इस लहंगे की.
और लेंथ में भी ये 5'7" और 5'8" इंचेस की गर्ल्स को ये लहंगा आ जाएगा। सो पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा है बिकॉज ये ऑर्गेंजा सिल्क है, इसका फैब्रिक और इसका प्रिंट काफ़ी अच्छा लग रहा है, फ्लोरल प्रिंट है इसकी। सो ये तो बात हुई लहंगे की, सभी बात करते हैं चोली की। तो चोली के लिए डार्क ग्रीन कलर का फैब्रिक रिसीव हो रहा है, अच्छा खासा 1 मीटर का फैब्रिक है और इस पर आप देख सकते हैं ये गोल्डन एम्ब्रॉयडरी हो रही है। अगेन इसमें सीक्वेंस और जरी वर्क हो रहा है जो कि फ्रंट पोर्शन के लिए है, जिसमें हमें ये फ्रंट और बैक पोर्शन के लिए कुछ इस तरह की डिज़ाइन मिल रही है एंड देन ये स्लीव्स के लिए। और इसका जो फैब्रिक है वो है आर्ट सिल्क, इसका आर्ट सिल्क फैब्रिक है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसका कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है डार्क ग्रीन। और इसी के साथ हमें 1 मीटर की लेस मिल रही है जिसमें ये सीक्वेंस और जरी वर्क हो रहा है, इसकी लेस है जो कि आप स्लीव्स के लिए यूज़ कर सकते हो और जैसे भी आपको डिज़ाइनर ब्लाउज सिलाना है आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो। ये अच्छा खासा 1 मीटर इन्होंने प्रोवाइड किया है और काफ़ी अच्छी लग रही है लेस। सो ये तो बात हुई चोली की। अब इसी के साथ जो हमें दुपट्टा रिसीव हो रहा है इस लहंगे के साथ, हमें अगेन ऑर्गेंजा सिल्क का दुपट्टा मिल रहा है और अगेन इस पर ये चारों तरफ इस तरह की लेस मिल रही है गोल्डन, और ये चारों तरफ है दुपट्टे की, और दुपट्टे की लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, 2.25 मीटर का दुपट्टा है लेंथ में और इसकी चौड़ाई भी काफ़ी अच्छी है। सो छोटा नहीं है दुपट्टा इसका। पर्सनली मुझे इसकी लेस काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लेस है इसकी। अगेन ये फ्लोरल प्रिंट। सो इन ऑल मुझे लहंगा काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो चोली के लिए फैब्रिक दिया है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो चलो अभी देख लेते हैं कि ये पहनकर कैसा लग रहा है। सो गाइस आपने देख ही लिया इस लहंगे को, आई नो बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफ़ी गर्लिश है ये लहंगा। और जो प्राइस है जैसे मैंने आपको बताया 2,864 का ये लहंगा है, सो काफ़ी जस्टिफाई कर रहा है ये प्राइस रेंज को, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे ये लहंगा। सो अगर आपको इसे बाय करना है इसका लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, सो आप वहाँ जाके परचेस कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो ऑन फ्लिपकार्ट लहंगा रिव्यू, और ये बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो भी था। सो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और शेयर कीजिएगा आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल निकीज़ पैशन। टिल देन टेक केयर गाइज, आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।